नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इसका एक चम्मच चूर्ण किडनी, लीवर, हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कैंसर और मोटापे जैसी बीमारियों का रामबाण इलाज है। दोस्तों, क्या आप सदैव स्वस्थ रहना चाहते हैं कि आपको कभी कोई समस्या न हो, हमेशा ऊर्जा और जिंदा दिली से भरपूर आप रहें? तो ये पेड़ ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, बस जरूरत है तो इसके भरपूर इस्तेमाल की। दोस्तों, मोरिंगा, जिसको सहजन के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का एक जादुई पौधा है। इसका उपयोग परंपरागत और चिकित्सा प्रणाली में कई सालों से होता आया है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। जो लोग एंटीऑक्सीडेंट के लिए वाइन पीते हैं, तो उनको बता दें कि वाइन से कई गुना अधिक एंटीऑक्सीडेंट सहजन में है, अनार में है या ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजों में है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सहजन से होने वाले चमत्कारिक फायदों के बारे में। क्यों सहजन को ट्री ऑफ हेवन कहा जाता है? दोस्तों, इस पौधे के पत्ते, छाल, फली में बहुत सारे मिनरल और विटामिन पाए जाते हैं और इसका एक छोटा कप 157% आरडीए विटामिन सी देता है। सहजन के एक कप में आपको मिलता है विटामिन B6 का 19% डेली नीड का, विटामिन ए का 9%, प्रोटीन का 2 ग्राम, विटामिन सी का 12%, विटामिन B2 का 11%, आयरन 11% और मैग्नीशियम 8% डेली नीड का। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सहजन के चमत्कारिक फायदों के बारे में। विभिन्न रोगों में सहजन के प्रयोग, हड्डियों की मजबूती के लिए, जैसा कि हमने पहले भी इसके लिए वीडियो बनाई है कि अगर किसी को घुटने बदलवाने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है तो वो भी एक बार इसका प्रयोग करके पहले देखे। इसमें कैल्शियम और आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके सेवन से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं और हड्डियों की घिसावट रुकती है। कैंसर रोग, इस पौधे में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये फ्री रेडिकल से लड़ने में बहुत अधिक सहायक है। ये कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकता है। इसमें विटामिन सी और बीटा कैरोटीन होते हैं। इसके साथ ही इसमें और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि सेल्स के लिए रक्षात्मक शील्ड का निर्माण करते हैं। सिर के दर्द से आराम, सहजन की जड़ का रस निकालकर इसको गुड़ के साथ सेवन करने से सर का दर्द तुरंत बंद हो जाता है। आंखों के लिए, इसका नियमित सेवन आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा। आप इसके पत्तों का रस निकालकर आंखों में भी लगा सकते हैं। मौसमी बीमारियों में सर्दी, खांसी, गले की खराश और छाती में बलगम जम जाने पर सहजन के सूप का इस्तेमाल करना बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इसके लिए इसके पत्तों, फूलों या फली का आप इस्तेमाल करें। सहजन का सूप पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने का काम करता है। इसकी फली में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या नहीं होने देते। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल, सहजन का नियमित सेवन ब्लड प्रेशर को नियमित करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसका नियमित सेवन हार्ट अटैक और हार्ट फेल स्थिति जैसी आने नहीं देते। वैवाहिक जीवन के लिए, सहजन के सूप के नियमित सेवन से वैवाहिक जीवन खुशी से बीतता है। अस्थमा रोग में, अस्थमा की शिकायत होने पर भी सहजन का सूप पीना बेहद अधिक फायदेमंद होता है। खून की सफाई, सहजन का सूप खून की सफाई करने में भी मददगार है। खून साफ होने की वजह से चेहरे पर भी निखार आता है, चेहरे पर दाग धब्बे और कील मुहासे नहीं होते। डायबिटीज, अगर आप डायबिटिक हैं तो ये आपके लिए एक रामबाण औषधि है। इसके पत्तों को छाया में सुखाकर एक चम्मच दिन में 2 बार भोजन के आधे घंटे पहले सेवन करें, इसको आपको बहुत जल्द फायदा मिलेगा। किडनी के रोगियों के लिए, मोरिंगा में विटामिन ए, सी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। किडनी के रोगियों को डाइट की लिमिट होती है, ऐसे में उनको जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ऐसे में सहजन उनके लिए बेहद फायदेमंद डाइट है और किडनी का जो भी बैलेंस करने में काम है उसमें ये बेहतरीन काम करता है। अगर किडनी एक बार काम करना बंद कर दे तो रक्त में फास्फोरस बढ़ जाता है, जिससे शरीर का कैल्शियम कम हो जाता है, जिससे हड्डियों के बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ऐसे में किडनी के रोगी को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। मोटापे के लिए, इसके 11 पत्तों की चाय बनाकर इसमें आधा नींबू निचोड़ कर पिए, इससे मोटापा कम हो जाएगा। बढ़ती आयु को रोकने के लिए, इसमें विटामिन भरपूर होने की वजह से ये बढ़ती आयु को रोकता है, अर्थात ये एंटी एजिंग है। ये आंखों की रोशनी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रोगों से लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मल्टी विटामिन रिच सोर्स, सहजन की जड़, फलियों, पत्तियों, फूल और तने की छाल, अर्थात इसका पंचांग, इन सब को एकत्रित करके इनको सुखा लीजिए, फिर इसको कूट पीस कर चूर्ण बना लीजिए। यह चूर्ण किसी भी मल्टी विटामिन कैप्सूल से 100 गुना बेहतर है। लीवर के लिए, अगर लीवर डैमेज हो गया है तो इसको ये सुधारता है।
ये लीवर की सूजन को कम करता है और ये एंजाइम को रिस्टोर करता है जिससे हमारा लीवर सही तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये तो हो गए सहजन के फायदे। तो आइए अब जानते हैं कि सहजन का सेवन आपको करना कैसे है। इसको हर प्रकार से सेवन किया जा सकता है। जब मौसम में इसकी फली आती है तो इसकी सब्जी बनाकर खाएं, और जब इसका मौसम नहीं होता तब आप इसके पत्तों को सुखाकर इसका एक एक चम्मच सुबह शाम खाएं, या ताजा पत्तों की चाय बनाकर पिए, और आप इसकी छाल का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। और अगर आप इसकी छाल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस पेड़ को लगाएं भी, क्योंकि अधिक छाल निकालने से पेड़ फलना फूलना बंद हो जाता है। जब भी छाल निकालें तो पेड़ के पास से पड़ी हुई मिट्टी में उस जगह पर लेप करते हैं। तो दोस्तों आप भी सहजन का प्रयोग करके इससे होने वाले फायदों को उठा सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।